हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 7th चैप्टर कंटिन्यू है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें आपने टिश्यू पेशी वाले टिश्यू पेशी ऊतक पढ़ लिए हैं। आपने पेशी ऊतक और दो प्रकार के पेशी ऊतक पिछले बार मैंने बताया थे आपको। पहला था रेखित पेशी, जो हमारे हाथ पैरों में पाई जाने वाली पेशियाँ होती हैं। ये थकान का अनुभव महसूस करती हैं। इन्हें आप पोषण दे दो और इन्हें आप थोड़ा सा आराम दे दो तो ये रिफ्रेश होकर फिर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। सेकेंड टाइप की पेशियाँ होती हैं बच्चों, आहार नाल में पाई जाती हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल विच आर वर्क्स टू द डाइजेशन ऑफ फूड, जिनका काम खाने में डाइजेशन का काम होता है। थर्ड टाइप की जो पेशियाँ होती हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ट पेशी या कार्डिक पेशी, कार्डिक मसल्स, जो हृदय तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाने वाली पेशियां, हृदय पेशी, जो जीवन भर बिना रुके बिना थमे काम करती रहती हैं। और इनका थकना तभी होता है जब मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, ये तीन तरह की मसल्स थी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल्स वो आज आप पढ़ने वाले हो, दैट इज तंत्रिका ऊतक, इट मीन्स न्यूरॉन सेल्स या नर्वस सेल्स। ये हमारे शरीर में मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं, और जो एक किनारे पर मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं रीढ़ की हड्डी से, दूसरे सिरे पर हमारी किसी भी हाथ या पैर की या शरीर की किसी भी स्किन से जुड़ी रहती है। यानी छूने का, गर्म का, ठंडे का एहसास जो हमें होता है बिकॉज ऑफ न्यूरॉन सेल्स, इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। इनकी लंबाई लगभग बच्चों 1 मीटर तक हो सकती है, और इससे जुड़ी दूसरी भी हो सकती है, तो वो मैसेज को ट्रांसफर भी करती है। तो मैंने बताया कि आपको कि इसका एक सिरा हमारी त्वचा में पाया जाता है या त्वचा से जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी से, नोटोकॉर्ड से जुड़ा रहता है, और नोटोकॉर्ड सीधे मस्तिष्क यानी दिमाग को मैसेज करती है। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता रिस्पॉन्सिव नेस के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। इससे हम किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वह प्राप्त करते हैं, किस तरह का, छूने का, स्पर्श ज्ञान प्राप्त करते हैं कहना चाहिए। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं, एक्साइटमेंट वाली कोशिकाएं हैं, जो तंत्रिका तंत्र संचार इकाई है। तंत्रिबंध न्यूरोलॉजिकल कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा प्रदान करती है और सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में तंत्रिकाबद्ध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधे से ज़्यादा हिस्सा बनाती हैं। राइट बेटा, आधे से ज़्यादा हिस्सा बनाती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। जब एक तंत्रिका कोशिका के उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है, जब स्टिमुलाइट किया जाता है, तो वो स्वयं होती है, तो विभिन्न विद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है। तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है, तब विभव पोटेंशियल परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर तक पहुंचता है तथा आसपास की तंत्रिकाक्ष या न्यूरॉन एवं इसके विषय में आप अच्छे से चैप्टर नंबर 23 में पढ़ेंगे। तो ये काम हुआ बच्चों इनका, न्यूरॉन सेल्स का। आपके एग्जाम बच्चों शुरू होने वाले हैं 10 तारीख से, और बायो का पेपर बच्चों 11th का लास्ट में पड़ेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको 11th की जो वीडियो मिलेंगी, ये शायद लास्ट वीडियो आपकी बायो की, और परसों से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो अच्छे से पेपर तैयारी करिएगा बच्चों। प्रश्नावली से प्रश्न नहीं होंगे, हेडिंग से पेपर दिए हैं मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बच्चों।